अस्सलाम वालेकुम। आज हमने 9th क्लास फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 के का टॉपिक पढ़ना है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। उसका जो सब टॉपिक है बेटा, हमने लास्ट टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ा था, उसका सब टॉपिक आज हमने पढ़ना है, जिसका नाम बेटा क्या है, मीटर रूल। और सब मेजरिंग टेप को भी पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। मीटर रूल क्या है? ये दरअसल हमारे पास बेटा एक लैब इंस्ट्रूमेंट है बेटा। क्या है? लैब इंस्ट्रूमेंट है। एक सुलाख होती है, जिस तरह के जैसे कि बेटा हम कपड़े वाले शॉप पे जाते हैं तो हमें इसको देखना देख पाते हैं कि वो एक इस तरह से बारीक सा एक रॉड होता है, ठीक है, ये जिसके ज़रिए वो हमें कपड़ा मैयर करके हमें देता है बेटा, काट के, ठीक है। तो ये जो आपकी सुलाख है, इसको कहते हैं मीटर रूल। क्या कहते हैं बेटा? मीटर रूल। तो ये एक ऐसा लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ये एक ऐसा लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिससे क्या होता है बेटा, हम लेंथ या डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स को मेजर कर सकते हैं। समझ आ गई ना? लेंथ या डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स को मेजर कर सकते हैं। द लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट which is used to measure length or distance between two points up to 1 millimeter, 1 millimeter with या accurately, ठीक है ना, accurately is known as meter rule, ठीक है। अब जरा देखिए बेटा, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। लेंथ मेजरिंग क्यों कहते हैं? इसके जरिए लेंथ को मेजर किया जाता है बेटा, ठीक है। ऐसा लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है विच इज़ यूज, जो कि इस्तेमाल किया जाता है टू मेजर करने के लिए लेंथ को बेटा, और डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के दरमियान के फासले को बेटा, ठीक है। अप टू 1 millimeter, कहाँ छोटे से छोटी लेंथ कितनी मेजर कर सकता है बेटा? ये 1 millimeter बेटा, बात समझ आ गई ना? Accurately, बिल्कुल सही तरीके से बेटा, ठीक है, इज नोन एज मीटर रूल। तो इस लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम रख देंगे बेटा? मीटर रूल का नाम रख देंगे। बात समझ आई कि नहीं? अब यहाँ तो कोई बात मुश्किल लगे हो ज़रा पूछ लो। जो मिनिमम रीडिंग जो ये मेजर कर सकता है वो कितनी कर सकता है बेटा? 1 millimeter। इससे छोटी रीडिंग को ये एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकता बेटा, बात समझ आ गई ना? तो इसका लीस्ट काउंट देखते हैं बेटा। क्या कहते हैं बेटा? लीस्ट काउंट। किसका लीस्ट काउंट पढ़ना है बेटा? मेजरिंग रूल, मेजरिंग मीटर रूल का बेटा, ठीक है। तो मीटर रूल का लीस्ट काउंट कितना होगा, ठीक। तो लीस्ट काउंट को समझने से पहले हम पहले इसकी एक और बात कर लेते हैं कि इसके डिवीजन्स के बारे में बात करते हैं। हर एक जो डिवीजन है, एक मीटर जो होता है वो बेटा कितने सेंटीमीटर्स के बराबर होता है? 100 centimeters के बराबर होता है। अगर यहाँ पर स्केल की हेडिंग दें, ठीक है, 1 meter is equal to 100 centimeters, ठीक है। हर एक सेंटीमीटर जो है वो 10 small divisions में डिवाइड किया गया। कितने डिवीजन्स में बेटा? 10 small divisions में डिवाइड किया। एक सेंटीमीटर को 10 छोटे हिस्सों में डिवीजन्स में तकसीम किया गया है। जो एक स्मॉल डिवीजन की जो वैल्यू है वो कितनी होती है बेटा? 1 millimeter। कितनी होती है बेटा? 1 millimeter। अब हम यहाँ पे 1 millimeter की है डेफिनेशन भी कर सकते हैं। 1 millimeter, बात समझ आ गई ना? इसको हम 1 भी लिख सकते हैं, ONE, ठीक है। अब देखो, 1 centimeter
इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल एंड इक्वल उसको हमें थोड़ा सा और अच्छे तरीके से लिख सकते हैं बेटा इनटू 10 स्मॉल डिवियंस 10 स्मॉल डिवियंस सो ईच डिवियन इज कॉल्ड वन मिली मीटर बेटा इज कॉल्ड वन मिली मीटर ठीक है। अगर एक वन सेंटीमीटर को बेटा वन सेंटीमीटर लेंथ को अगर आप डिवाइड कर दें इनटू 10 स्मॉल इक्वल डिवीजन्स में बेटा कितने डिवीजन्स में बेटा 10 स्मॉल इक्वल डिवीजन्स में तो ईच डिवीजन हर डिवीजन की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी बेटा 1 मिलीमीटर होगी क्या होगी बेटा 1 मिलीमीटर बस समझ आई कि नहीं। अब देखो ये एक आपके पास ये और ये एक सेंटीमीटर लेट्स सपोज ठीक है इस एक सेंटीमीटर को अगर आप छोटे छोटे 10 डिवीजन्स में तकसीम कर लें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ठीक है। अब ये जो छोटे छोटे डिवीजन्स ये था यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फासला है ना बेटा कितना है 1 सेंटीमीटर समझ आई कि नहीं बात बेटा। अच्छा अब इस 1 सेंटीमीटर को हमने छोटे छोटे 10 डिवीजन्स में तकसीम कर लिया बेटा ठीक है। ये जो हर एक डिवीजन की जो लेंथ है ना ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक यहाँ से लेके यहाँ तक यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारे जो छोटे छोटे डिवीजन्स हैं ये सारे डिवीजन्स 1 मिलीमीटर के बराबर कितने मिलीमीटर के बराबर है बेटा क्योंकि हमने 1 सेंटीमीटर कितने हिस्सों में तकसीम किया बेटा 10 स्मॉल डिवीजन्स में डिवाइड कर दिया और हर एक डिवीजन की जो वैल्यू है वो कितनी है बेटा 1 मिलीमीटर है बेटा कितनी है 1 मिलीमीटर बात समझ आ गई। तो लीस्ट काउंट इस मेजरिंग रूल का कितना मीटर रूल का कितना हुआ बेटा 1 मिलीमीटर ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बेटा ज़रा देखिएगा तो लीस्ट काउंट में एल सी लिख रहा हूँ बेटा लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रूल इज 1 मिलीमीटर कितना है बेटा 1 मिलीमीटर बेटा ठीक है। अब ज़रा कोई बात ज़्यादा मुश्किल लगे ज़रा पूछ लो बेटा समझ आ गई ना बातें इसका यूज़ कहाँ पे है बेटा यूज़ बेटा इसका लैब में होता है कहाँ होता है बेटा लैब में लेबॉरेटरी में ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है लेबॉरेटरी में बेटा ठीक है। इट इज़ ए कॉमन लैब इंस्ट्रूमेंट ठीक है ना ये कॉमन लैब इंस्ट्रूमेंट है बेटा लैब में बहुत ज़्यादा मकदार में यूज़ होता है बेटा ठीक है। इंस्ट्रूमेंट डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है लेंथ मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है समझ आ गई। अच्छा अब इसके ना यूज़ करने के तरीके कार क्या है बेटा मेथड क्या है यूज़ करने का ठीक है। तो फ़र्ज़ कर लें हमने क्या करना है बेटा ये कोई लाइन है ठीक है ये कोई क्या है बेटा लाइन है ठीक है और ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बेटा बी। अब ए और बी के दरमियान का फासला मालूम करना है हमने कहा ना दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना है हमने कहा नहीं था कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स हम मालूम कर सकते हैं इसके ज़रिए ठीक है। अब हमें दो पॉइंट कौन से ए और बी इनके दरमियान हमने क्या मालूम करना है बेटा फासला हम क्या करते हैं यहाँ पे एक मीटर रूल को रखते हैं यहाँ से कुछ इस तरह से ठीक है ये मीटर रूल रख दिया बेटा हमने ठीक है। अब यहाँ पे इसकी रीडिंग बेटा क्या है 0 और यहाँ पे बेटा इसकी रीडिंग क्या है
3.2 सेंटीमीटर। अच्छा अब देखो ज़रा, जब हम इसको लेंथ को मेजर करेंगे तो लेंथ मेजर करने के लिए हमें जो अपनी आँख से इसको देखने के लिए हम इसको देखेंगे, हम इसको फर्स्ट इधर तक की लेंथ मेजर करनी, मैं यहाँ से देख रहा हूँ इसको ऐसे, तो मेरी रीडिंग सही नहीं आएगी जब तक बिल्कुल मैं एग्जैक्ट इस पॉइंट के ऊपर अपनी आँख रख के नहीं देखूँगा, तब तो रीडिंग सही नहीं आएगी बेटा। अगर मैं इसको ऐसे देखूँ यहाँ से, कुछ इस तरह से, ठीक है, तो ये मेरी रीडिंग सही नज़र नहीं आएगी बेटा। अगर मैं इसको ऐसे देखूँगा बिल्कुल इसके ऊपर बेटा अपनी आँख को रख के बेटा, तो फिर मुझे एग्जैक्ट रीडिंग नज़र आएगी, समझ आ गई। तो जब इसका मतलब ये हुआ कि जब तक मैं अपनी आँख को उस रीडिंग के बिल्कुल वर्टिकली अपवर्ड उसके ऊपर अपनी आँख को रख के नहीं देखूँगा तो मुझे सही से तरह से बेटा हमें रीडिंग नज़र नहीं आएगी, गलत रीडिंग नज़र आएगी। और जब हम उसको आगे पीछे करके देखेंगे, लेफ़्ट राइट करके देखेंगे, तो फिर हमें रीडिंग सही नज़र नहीं आएगी। जब तक ऊपर से नहीं देखेंगे तब तक हमें रीडिंग सही नज़र नहीं आएगी। तो जब ऊपर से देखेंगे एग्जैक्ट वर्टिकली हम उसके पोजिशन करेंगे अपनी आँख को, तब हमें रीडिंग सही तरह से नज़र आएगी बेटा, ठीक है। तो हम ये कहेंगे 4 एक्यूरेट रीडिंग्स आई शुड बी केप्ट वर्टिकली above the reading, yeah, that reading. बात समझ आ गई ना, आई शुड बी कैप्ट वर्टिकली अबव दैट रीडिंग, ठीक है। तो वर्टिकली अबव होना चाहिए आपकी आँख को बेटा, ठीक है, तब आप एग्जैक्ट रीडिंग में ये कर सकते हैं। अगर आपकी आँख की जो पोजीशन है वो लेफ़्ट या राइट की तरफ है, लेफ़्ट की तरफ है या राइट की तरफ है, तब आपकी जो रीडिंग होगी वो एक्यूरेट नहीं होगी। क्या नहीं होगी बेटा? एक्यूरेट नहीं होगी। बात समझ आई कि नहीं आई? कोई बात नहीं, मुश्किल लगे ज़रा पूछ लो बेटा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट द लेक्चर यू कैन आस्क फ्रीली इन द कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।